Hello everyone. This is Bindu Prabhasahu. Welcome you all to the YouTube tutorial Snaps Biology. So here I am with the microbiology practice set one, part A. Okay, and part B will be discussed by Swetha ma'am. So till then, stay tuned with us. So before starting the practice set one of microbiology, let me tell you. If you are new to this channel, then do subscribe to our channel press the bell icon next to the subscription button select all so that you can get all the updates whenever a new video comes up and hit like share and don't forget to subscribe okay you all are watching our videos but, but i think you are not subscribing so do subscribe so that uh, we can uh, reach a new milestone very soon so let's start the practice set now come to question number 1 According to Pasteur's statements which one of the following is true option A living organisms discriminate between stereoisomers B fermentation is an aerobic process C living organisms does not discriminate between stereoisomers D both A and B okay so we all know that फॉर्मेंटेशन इज नॉट एन एरोबिक प्रोसेस इट इज एन एन एरोबिक प्रोसेस ओके तो और दोनों ऑप्शंस रह गए क्या ऑप्शन ए एंड सी ए एंड बी बोथ दिया है करेक्ट तो दैट विल बी रॉन्ग राइट सो ऑप्शन ए में है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेरियो आइसोमर्स सी में है दे डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेरियो आइसोमर्स ओके सो क्या होगा दे डिस्क्रिमिनेट बिटवीन स्टेरियो आइसोमर्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ओके क्लियर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर टू द प्रिंसिपल लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट मॉलिकल इन प्लांट्स आल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया इज ये तीनों में लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट मॉलिकल कौन सा है ओके ऑप्शन ए क्लोरोफिल ए बी क्लोरोफिल सी सॉरी क्लोरोफिल बी सी पोरफाइरिन डी रोडाप्सिन ओके तो क्या होगा क्लोरोफिल ए दैट इज द यूनिवर्सल क्लोरोफिल पिगमेंट इट इज द लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल इन केस ऑफ प्लांट्स अलगी एज वेल एज साइनो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री ड्यूरिंग बायोजियोकेमिकल साइकल सम अमाउंट ऑफ एलिमेंटल कार्बन वॉज यूटिलाइज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द फेनोमेनन इज कॉल्ड एज ओके ऑप्शन ए डिसिम्युलेशन बी मोबी इमोबिलाइजेशन सी डी कम्पोजिशन डी न्यूट्रलाइजेशन ओके सो द प्रोसेस ड्यूरिंग द बायोजिओकेमिकल साइकल वेर सम अमाउंट ऑफ एलिमेंटल कार्बन वॉज यूटिलाइज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड आज वॉट इज कॉल्ड आज इमोबिलाईजेशन इट इज यूटिलाइज यूटिलाइज दिया हुआ है राइट सो इट विल बी इमोबिलाइजेशन ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ओके Now, come to the next question that is question number four. Who provided the evidence that bacteriophage nucleic acid but not protein enters the host cell during infection? Okay. Who uh, gave the evidence that the bacteriophage nucleic acid but not the protein enters into the host cell during the process of infection? Okay. सो so ऑप्शन क्या क्या है ऑप्शन ए हर्षी एंड टैटम इन नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी वन बी हर्षी एंड लीडरबर्ग इन नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी वन सी हर्षी एंड चेस इन नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी टू डी हर्षी एंड मैक्टीन हंड्रेड फिफ्टी टू ओके तो हर्शी तो कमन है राइट सो हर्शी विल बी द आंसर. तो हर्ष के साथ कौन थे हर्षी एंड चेस ओके वो तो एक्सपेरिमेंट था हर्षी एंड चेज

डी बेजरिंग, ओके सो हु डेमोन्स्ट्रेटेड एंटीसेप्टिक मेथड फर्स्ट लॉर्ड लिस्टर, ओके ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन इज ओके ऑप्शन ए किटोलेज बी जाइमेज सी पेरोक्सीडेज डी ऑक्सीडेज So, which enzyme is responsible for alcoholic fermentation? Enzyme zymage. Okay, option B will be the correct answer. Now, come to question number seven. Salt and sugar preserve foods because they. Oh, why we use salt and sugar to preserve foods? Okay, option A to make them acid, B uh, produce a hypotonic environment c deplete nutrients d produce a hypertonic environment why we use salt and sugar as freezer uh, to preserve foods why okay why because they produce a hypertonic environment clear option d will be the correct answer hypertonic environment not hypotonic okay confuse mathona clear now come to question number eight. विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज मोस्ट सीरियस थ्रेट इन अ ब्रोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट ओके ब्रोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट में कौन सा फंगस इज वेरी डेंजरस ओके सो ऑप्शन ए कैंडिडा एल्बिकन्स बी एस्परजिल्स सी ब्लास्टोमाइसिस देन डी क्रिप्टोकोकस ओके तो ये याद रखना द फंजाई एस्परजिल्स is a serious threat in a bone marrow transplant unit okay option b will be the correct answer now come to question number 9 prophylaxis of cholera is option a protected water supply b environmental sanitation c immunization with killed vaccine d all of these okay so what is uh, prophylaxis of cholera it is a uh, environmental sanitation okay B. Option B will be the correct answer. Now come to question number टेन The viruses that live as parasites on bacteria are. जो वायरस बैक्टीरिया में पैरासाइट के रूप में रहते हैं ओके ऑप्शन ए पंजाई बी कॉमेंसल्स सी बैक्टेरियो फेजेस डी नन ऑफ दिस इसका आंसर सिंपल है ऑप्शन सी दैट इज बैक्टेरियो फेजिस दीज आर द वायरस अटैकिंग बैक्टीरिया और द लीव आज अ पैरासाइट इन बैक्टीरिया ओके ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर इलेवन द कॉलोनीज प्रोड्यूस्ड बाय सीडोमोनस ऑन मैक कॉन्कीज मीडियम आर ए पर्पल कलर बी पिंक कलर्ड सी पेल कलर्ड डी ग्रीन कलर तो कौन से कलर के होते हैं द कॉलोनीज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सीडोमोनस ऑन मैक कॉन्कीज मीडियम याद रखना मीडियम है मैक कॉन्कीज कौन सा बैक्टीरिया है सीडोमोनस ओके क्लियर सो क्या होगा आंसर उसका ऑप्शन सी दैट इज द कलर विल बी पेल क्लियर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कोलेरा शो द मूवमेंट कॉल्ड सो पहले ये जान लेते हैं कि वॉट इज द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉलेरा कॉलेरा इज कॉस्ड बाय विब्रियो कॉले राइट सो उसका मूवमेंट क्या है ऑप्शन ए ग्लाइडिंग मूवमेंट बी डाटिंग मूवमेंट सी सीडोपोडियल मूवमेंट डी नन ऑफ दिस तो विर एक कौन सा मूवमेंट शो करता है डाटिंग मूवमेंट सो व्हाट इज दिस डार्टिंग मूवमेंट इट इज अ वेरी फास्ट मूवमेंट विदाउट इवन अ नोटिसेबल शिफ्ट इन द सब्जेक्ट्स लोकेशन ओके सो दिस मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शूटिंग स्टार मूवमेंट क्लियर शूटिंग स्टार मूवमेंट

correct answer now come to question number 14 isolation is what is isolation a purification of culture b introduction of inoculum c separation of a single colony d to grow microorganisms in surfaces so what is isolation it is a it is the process of separation of a single colony isolation akela right so option c will be the

कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ब्लड अगर मीडियम इज ऑप्शन ए एनरिचमेंट मीडियम बी एनरिच्ड मीडियम सी सिलेक्टिव मीडियम डी डिफरेंशियल मीडियम ओके तो यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू एनरिच्ड मीडियम भी होगा डिफरेंशियल मीडियम भी होगा ओके okay. सो so कोई भी मीडियम में अगर हम ब्लड और सेरम डाल देते हैं दैट विल बी एनरिच्ड मीडियम okay and blood agar is an example of enriched medium but uh, what is differential medium these are the bacterial uh, these are the medium where the bacteriological growth takes place and it contains specific ingredients to allow a person to distinguish selected species or categories of bacteria by visual observation okay so blood agar is uh, blood agar can be one type of differential medium which allow the bacteria to be distinguished by the type of hemolysis produced okay so b and d okay both will be correct according to my point of view okay so do let me the exact answer in the comment section okay so now come to the next question that is question number 17 culture media for fungi are ऑप्शन ए पोटैटो डेक्सट्रोज अगर दैट इज पी डी ए बी सेबरॉड्स अगर सी जैपेक्डॉक्स अगर डी ऑल ऑफ द एवब ओके तो फॉर ऑल दिस थ्री कैन बी द कल्चर मीडियम ओके सो आंसर विल बी ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द एवब ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर एटीन ऑन मैकस मीडियम e coli forms Escherichia coli okay uh, what kind of colonies or pigmentation it forms option a colorless colonies b greenish pigmentation c pink colored colonies d medusa head appearance okay so what is the appearance the colonies will be pink colored okay on macconkey's medium option c will be the correct answer now come to question number 19 अल्काली फाइल्स ग्रो एट पी एच वैल्यू बिटवीन ओके पी एच ऐसा ऐसा होगा नहीं पी एच ऑप्शन ए वन टू सिक्स बी सिक्स टू नाइन सी वन टू इलेवन डी सेवन टू टूल्व ओके सो पहले ये जान लेते हैं कि वॉट आर अल्काली फाइल्स राइट सो अलकालीफाइल्स आट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑप्टीमली और वेरी वेल एट पी एच वैल्यूज अबव नाइन बट दे कांट ग्रो और ग्रो ओनली स्लोली एट नियर न्यूट्रल पी एच वैल्यू दैट इज सिक्स पॉइंट फाइव ओके तो कौन से रेंज में ये आएंगे ऑप्शन डी दट इज सेवन टू ट्वेल्व ओके सिक्स पॉइंट फाइव से ज्यादा राइट एंड बेटर इन नाइन एब नाइन ओके तो क्या होगा सेवन टू ट्वेल्व ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम इज यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ विल्सन एंड ब्लेर ब्लेयर मीडियम ओके ऑप्शन ए स्टाफाइलोकोकाई बी साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम सी विब्रियो कॉलर ए डी शीजेला शीजे ओके तो क्या होगा विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम किसके आइसोलेशन में यूज होता है ऑप्शन बी दैट इज साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम विच कॉजस टाइफॉइड राइट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर क्लियर now come to question number 21 the primary mode of transmission of poliomyelitis virus is option a flies b milk c person to person d food and water you all know that poliomyelitis is transferred uh, transmitted through food and water okay contaminated food and water so option d will be the correct answer now come to question number 22 the proteinaceous compounds are converted to ammonia by. by which process the proteinaceous compounds get converted into ammonia option a putrefaction uh, putrification bacteria b ammonification bacteria c nitrification bacteria d denitrifying bacteria so which kind of bacteria are useful in this process which kind ammonification bacteria okay clear answer will be option b. बैक्टेरियल सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर ट्रीटेड विथ साइनाइड हो गया है ये नहीं होगा, क्या होगा एंड क्लियर सो वेन अ बैक्टेरियल सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया ओके आर ट्रीटेड विथ साइनाइड एंड कार्बन मोनोक्साइड व्हाट है इनिशियली ओके तो क्या होगा पहले ऑप्शन ए रेस्पिरेशन इनिबिट्स B. Photosynthesis inhibits, C. Protein synthesis inhibits, D. No effect occurs, okay, so what happens when a bacterial cell and mitochondria are treated with these two, that is your uh, cyanide and carbon monoxide, then respiration get inhibited, okay, the process of respiration is inhibited option, A will be the correct answer, clear, next question number 24, द फॉलोइंग डिजीजेस आर कॉस्ड बाई माइको प्लाज्मा एक्सेप्ट ओके तो कौन सा डिजीज इनमें से माइको प्लाज्मा के थ्रू नहीं होता है ओके okay, एक्सेप्ट दिया है ऑप्शन ए न्यूमोनिया इन ह्यूमन बींग्स बी लिटिल लिफ ऑफ ब्रिंजल सी डॉफ डिजीज ऑफ मॉलबेरी डी साइट्रस कैंकर ओके तो क्या होगा इट्स क्लियर साइट्रस कैंकर यह माइको प्लाज्मा के थ्रू नहीं होता है नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द प्रोटीन मॉइटी ऑफ एन एंजाइम इज नोन एज ऑप्शन ए होलो एंजाइम बी अपो एंजाइम सी को एंजाइम डी एंजाइम ओके तो पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम ओके सो कंसिडरिंग द कंजुगेटेड एंजाइम्स दे कंटेन अ प्रोटीन पैट एलोंग विथ अ नॉन प्रोटीन पैट राइट सो द प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड द एपो प्रोटीन और एपो एंजाइम पार्ट वेराज द नॉन प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड द को फैक्टर एंड दिस को फैक्टर कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एंड दिस ऑर्गेनिक को फैक्टर कैन बी अ प्रोस्थेटिक ग्रुप और अ को एंजाइम ओके तो यहाँ पे पूछा है कि एंजाइम का प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं राइट सो वॉट विल बी द आंसर दट इज अपो एंजाइम क्लियर एपो प्रोटीन और आपको एंजाइम मुझसे बोलते हैं आंसर विल बी ऑप्शन बी नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ऑफ एन एंजाइम इज द इनहिबिशन ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन पूछा है क्लियर सो ऑप्शन ए सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस बाय मैलोनिक एसिड इनहिबिशन ऑफ सॉक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस बाय मैलोनिक एसिड देन ऑप्शन बी इनहिबिशन ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाय साइनाइड Option C, inhibition of hexokinase by glucose 6 phosphate. Option D, inhibition of carbonic anhydrase by carbon dioxide. Okay. So in option B, it is an example of non competitive inhibition. Okay. Clear? Whereas in option C, that is the inhibition of hexokinase by glucose 6 phosphate, is an example of allosteric inhibition. Clear? And in case of ऑप्शन डी दट इज इनिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज बाई कार्बन डाईक्साइड इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन क्या होगा द इनिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस बाय मैलोनिक एसिड ऑप्शन ए विल द करेक्ट आंसर क्लियर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन सल्फर कैन बी यूटिलाईज बाय बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ In which form sulphur is utilized by the bacteria? Option A. Organic compounds B. Inorganic compounds C. Elemental compounds D. All of the above So Sulphur is used or utilized by bacteria in the form of Remember this organic compounds Okay Answer will be option A Clear Now come to question number 28 मोस्ट बैक्टीरिया डू नॉट रिक्वायर द आयन ऑप्शन ए मैग्नीशियम बी कैल्शियम सी सोडियम डी फेरम और आयन राइट आयरन तो कौन सा आयन रिक्वायर नहीं करते मोस्टली बैक्टीरिया विच आयन ऑप्शन सी दैट इज सोडियम ओके एन ए प्लस क्लियर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन The bacteria that are able to grow at zero degree centigrade, but which grow at twenty degree centigrade to thirty degree centigrade, are known as. So generally, bacteria are able to grow at zero degree centigrade, but here the question is, the bacteria which can grow at twenty degree centigrade to thirty degree centigrade, they are called as what? Okay, so option A, psychrophiles. B, facultative psychrophiles. C. Average psychrophiles. D. Mesophiles. So, will hoga? These are known as average psychrophiles. Okay? Answer will be option C. Clear? Now, come to question number 30. The number of generations per hour in a bacteria is A. Growth rate. B. Generation time. C. Sigmoid curve. D. None of these. ओके सो इन अ बैक्टीरिया द नंबर ऑफ जेनरेशन पर आर क्लियर तो क्या बोलते हैं उसे इट इज कॉल्ड एज जेनरेशन टाइम ओके आंसर विल बी ऑप्शन बी क्लियर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी वन द रिप्रोडक्शन रेट इज इक्वल टू डेथ रेट इन विच स्टेज ओके जो जो हमारा ग्रोथ कर्व है ना उसमें पूछा है क्वेश्चन राइट द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डेथ इन व्हिच स्टेज तो क्या होगा ऑप्शन ए डिक्लाइन फेज बी स्टेशनरी फेज सी लैग फेज डी लॉग फेज क्या होगा लॉग फेज ओके इन लॉग फेज द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डेथ ओके ऑप्शन डी क्लियर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी टू

ऑप्शन ए सोडियम थायोग्लाइकोलेट, बी एसिड सी साइट्रेट डी नन ऑफ दिस तो क्या ऐड करते हैं ओके आंसर विल बी बी ऑप्शन क्लियर सो दैट देर विल बी अ क्रिएशन ऑफ एनारोबिक कंडीशन ओके इन द मीडियम क्लियर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज जनरली प्रेजेंट इन ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया बी अलगी सी बैक्टेरिया डी प्लांट्स ओके सो साइक्लेन यू ऑल नो दैट इज जनरली प्रेजेंट इन साइनो बैक्टेरिया ओके आंसर विल बी ऑप्शन ए बहुत लोग प्लांट लिख लेते हैं आंसर विल बी साइनो बैक्टेरिया ओके सो नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव the suitable temperature to transport viral culture is okay viral culture ke liye suitable temperature kya hai option a 30 degree centigrade b 5 degree centigrade c 25 degree centigrade d 45 degree centigrade okay so remember this uh, to transport the viral culture we need a very low temperature and that is 5 degree centigrade okay option b will be the correct answer clear so this is all about part a of practice set 1 on microbiology and i hope this will be very much helpful in your entrance examination so uh, keep preparing with us and support us by liking sharing our videos and subscribing to our channel and do press the bell icon next to the subscription button so that you can get all the notification whenever a new video comes up okay Thank you.